हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्माट्रिक में। हम ये CGHS का फार्मासिस्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने ये पेपर ना फार्मा गैंग की जो साइट है वहाँ से डाउनलोड किया है, www.farmagang.com। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और इसमें मैंने इसके पहले इसके प्रीवियस इसके फर्स्ट पार्ट में इसके 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ क्लोरोक्वीन इज़ गिवन इन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, इट लीड्स टू। तो इससे क्या होता है, क्लोरोक्वीन क्या होती है? वैसे क्लोरोक्वीन क्या होती है, एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। तो ये क्या होती है, 4-अमीनोक्विनोलिन होती है क्लोरोक्वीन, और ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर मलेरिया इन द प्रेगनेंसी। तो ये सब बातें भी इसके बारे में याद रखनी है। सॉरी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए राइट है, सीवियर ब्लीडिंग में, ठीक है। तो इफ क्लोरोक्विन इज गिवन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, तो इससे क्या हो जाता है, सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए नॉर्मल यंग हेल्दी अडल्ट मेल वेइंग अबाउट 70 kg द ब्लड वॉल्यूम इज। तो ये जो अडल्ट में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, तो ये कितना होता है, 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड। तो डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम उसे क्या बोलते हैं, हाइपोवोलीमिया बोलते हैं, और अगर होता है इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम उसे बोलते हैं हाइपरवोलीमिया। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन बायोकेमिस्ट्री PUFA पूफा स्टैंड्स फॉर। तो पूफा का मतलब क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिडनिसोलोन, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन है, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें से कौन सी है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, तो ये जो चारों ही किया है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, और ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं, रिफाम्पिन, आइसोनियाज़िड, पायराज़िनामाइड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, और एक है इथेम्ब्यूटोल, और होती है ये पाँचों क्या होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। तो इसमें से जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है उसको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में। स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है, तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये ऑटोटॉक्सिसिटी शो करती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द बिलो इज अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन 2 राइट है, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन द टिश्यू, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करती है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को कम करती है, तो इसका ये फंक्शन हो जाएगा, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन अ टिश्यू। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ। तो फार्माकोडायनामिक में जो डी है इसको डी से रिलेट करना है, डी का मतलब क्या है, ड्रग। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, तो ये होता है फार्माकोडायनामिक, और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, वो होता है फार्माकोकाइनेटिक। तो ये दोनों बात याद रखनी है। नेक्स्ट है डैप्सोन इज द मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डैप्सोन किस में यूज़ करते हैं, लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लेप्रोसी जो है, ठीक है। तो इसमें डैप्सोन क्या होता है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डैप्सोन। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो इसमें ड्रग को ओरली रूट से देते हैं, तो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म हाई होता है, तो सभी को पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट है, ओरल। नेक्स्ट है वॉलप्रोइक एसिड इज ए, तो वॉलप्रोइक एसिड क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, ऑप्शन 4 राइट है इसका। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डोज ऑफ आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट टू बी गिवन टू अडल्ट ओरली शुड बी इन द रेंज ऑफ। तो ये आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट इसकी डोज कितनी है, 10-20 mg, ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट इसमें हम एंजिना पेक्टोरिस में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट कौन सा है, तो इसका आंसर है फ्लुमाजिनिल। फ्लुमाजिनिल क्या होता है, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन। तो ये जो एंटीडोट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर एक क्वेश्चन मतलब आता ही है, तो ये एंटीडोट सबके अच्छे से याद करने हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो जो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स होते हैं किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, हेड इंजरी, ऑप्शन ए राइट है। तो जो हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं उनको, उनमें मॉर्फिन जो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रिफाम्पिसिन की डोज पूछी हुई है, यूजुअल डोज ऑफ रिफाम्पिसिन टू बी एडमिनिस्टर टू एन अडल्ट कितनी होती है, 450-600 mg पर डे होती है रिफाम्पिसिन की डोज, ठीक है। और ये रिफाम्पिसिन आप लोगों को मुझे बताना है कि रिफाम्पिसिन किस में यूज़ करते हैं, मतलब कौन सी डिजीज़ में ये रिफाम्पिसिन जो है किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं।
ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था, 1940 में पास हुआ था। और आप लोग मुझे ये बताना ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स हैं ये कब आए थे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो मैंने आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डेली डोज ऑफ डायजीपाम इन एन अडल्ट। तो ये डायजीपाम की डोज पूछी हुई कितनी है, ऑप्शन 4 राइट है, 5 to 30 mg आंसर होगा इसका। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग उसे बोलते हैं एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म ए फ्रोथ वैन शेकन विद वाटर। तो पानी के साथ शेक करेंगे तो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है, तो ये कौन करते हैं, सैपोनिन्स करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैक्सेटिव्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए राइट है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की मैनेजमेंट में क्या देते हैं, लैक्सेटिव्स देते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। तो स्टमक से कौन सी ड्रग अब्जॉर्ब होती है इनमें से, तो ये एस्प्रिन जो है ये जो है डायरेक्टली स्टमक से अब्जॉर्ब होती है, ऑप्शन ए राइट है। तो एस्प्रिन क्या होती है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्प्रिन। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, गोल्ड ब्लैडर इज लोकेटेड इन, तो गोल्ड ब्लैडर कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन 4 राइट है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है गोल्ड ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन मेडिकल पार्लेंस टर्म नियोनेट रेफर टू ए बेबी दैट। तो नियोनेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 20 डेज के बेबी को क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन जो है इनमें से जो 2 नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन 2, नो ओल्डर दैन 4 वीक्स, तो इसका ये ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब लगभग कि ये 3-4 वीक तक के बेबी को क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड प्रूव लीथल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। तो जो मॉर्फिन की लीथल डोज क्या होती है, 250 mg। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है, तो ये याद रखना है कि मॉर्फिन की लीथल डोज क्या है, 250 mg है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए ब्रोंकोडाइलेटर। तो ब्रोंकोडाइलेटर क्या है, इसमें से साल्बुटामोल जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर है। साल्बुटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर है। ये क्या होता है, बीटा टू एगोनिस्ट होता है। साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल ये सब ड्रग आती है इसके अंदर। तो ये जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं हम किस में, ये अस्थमा की ट्रीटमेंट में देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, ये CGHS का, ये फार्मासिस्ट का ये पेपर है, ये कंप्लीट हो गया। इसके जो इसमें 40 क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और अब राजस्थान फार्मासिस्ट का पेपर है 4 अक्टूबर को, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बस ऐसे सोच के चलना है कि ये लास्ट चांस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ये पेपर तो पक्का है 4 अक्टूबर को। तो ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।